ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଜସ୍ଥାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ। ଜୟପୁରର ଆଲବର୍ଟ ହଲ୍ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଆଲବର୍ଟ ହଲ୍ ଯାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 10:30ରେ ଶପଥ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସଚିନ ପାଇଲଟ ନେବେ ଶପଥ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରାଜଭବନକୁ ଛାଡ଼ି ଆଲବର୍ଟ ହଲ୍ରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। इंतजार करने दो, कांग्रेस अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, वो अपना काम करेंगे, उनको अपना काम करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो जनता उनको कहेंगे आप काम क्यों नहीं करो विपक्ष के रह करके। उनकी जो जिम्मेवारी मिली है इस चुनाव में, पिछली बार हमें मिली थी विपक्ष में रहकर काम करने की, तो हमने काम किया, यहाँ पहुँच गए। अब उनकी जिम्मेवारी वो वापस काम करके दिखा है, नहीं करेंगे हमारी भी शिकायत रहेगी तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। उसके बाद में जो हमेशा परंपरा रही है कि हमारे राष्ट्रीय नेता से बात करके कांग्रेस परिजन से बात भी करेंगे और उसके बाद में फिर निर्णय होगा कि कब होगा। मैं तो 24/7 का आदमी हूँ, ठीक है, 365 डेज का, इसलिए मेरे लिए तो चाहे मैं कोई पद पे रहूँ या पद पे नहीं रहूँ, मैं लगातार जिंदगी मैंने ऐसे ही बिताई है, इसलिए मेरे को जिम्मेवारी बढ़ने की बात नहीं आती है। हाँ, ये बात जरूर है कि चैलेंज हमारे सामने हैं,